नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं सिटी हलचल खबर जरा हटकर। हम आपको कराते हैं दिन भर की तमाम ताज़ा खबरों से रूबरू और आइए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मामला जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी का है, जहां तीन युवकों पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच घंटों मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश सहित उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। ये रतनपुरी में आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि तीन लड़के जो जा रहे थे, उनको दो लोगों ने, जो कि मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने लूट करने की कोशिश की और उन पर फायर भी किया है। तो इसके सूचना मिलने के उपरांत आसपास के थाना क्षेत्रों में चेकिंग के लिए आदेश किया गया था और चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान में SO रतनपुरी ने, जो कि चेकिंग में थे अपनी मोबाइल में, तो उनको एक मोटरसाइकिल आती नज़र आई, जिस पे दो लोग थे, उनको चेक किया गया, रोकने की कोशिश की गई, तो ये लोग फायर करके भागने लगे और जो फायर किया गया उनके द्वारा, उससे एक सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट जिसने पहनी हुई थी उस पर गोली लगी है और पुलिस ने भी फिर रिटेलिएशन में फायर किया है, जिससे एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश भाग गया था, मगर उसको भी कॉम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो पकड़े गए मुलजिम है, जिसको गोली लगी है, इसका नाम रविंदर है, ये खतौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पे लूट के और गैंगस्टर एक्ट के फायर आर्म्स के काफ़ी मुकदमे हैं और इसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है ट्रीटमेंट के लिए, और उसका जो साथी है वो एक दो मुकदमे में ही बंद हुआ है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के सुभाष नगर का है, जहां सुभाष नगर निवासी युवती का विवाह तीन दिन पूर्व रोहाना के गांव आकलोर निवासी शौकीन के साथ हुआ था। शादी के तीन दिन बाद ही ससुरालियों ने कार की मांग की और शादी में अच्छा खाना न मिलने पर नवविवाहिता के साथ मारपीट की। वहीं युवती को गंभीर अवस्था में घर के पास फेंक कर फरार हो गयी। परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, लेकिन हर थाने में परिजनों को दूसरे थाने का मामला कहकर टाल दिया गया। परिजनों ने नवविवाहिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवती को भर्ती कर लिया और उपचार शुरू कर दिया। वहीं CO सिटी हरीश भदौरिया ने परिजनों की तहरीर पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। ऐसा है, उसकी तीन दिन पहले शादी हुई है, 25 तारीख को बता दिया हूँ, और उसके इसमें जो है मतलब वाइटल्स, मैंने पल्स और वो तो सब ठीक चल रहा है। जो वो सिम्टम्स बता रही है वो शादी के बाद अक्सर जो है और हो जाते हैं, बाकी जो और चोटों के निशान बता रही है वो डॉक्टर साहब देखेंगी और उसके बाद उसको उसी तरह से रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये इनका जो झगड़ा ज़्यादा लग रहा है और वो लड़की घबराई हुई जा रहा है, वो उसको मतलब जहाँ उसका जैसा होता है ना, वाइटल्स ठीक है, मतलब उसके जो नब्ज ठीक चल रही है और पल्स वो जो है रेस्पिरेशन भी नॉर्मल है, उस तरह से कोई इंजरी वाली बात नहीं है। मुझे भी अभी पता चला है, इनके परिजनों से बात की गई, जैसा इन्होंने बताया कि इनकी लड़की को इनके घर के पास छोड़ के चले गए, जिन्होंने उसे अस्पताल दाखिल कराया, तहरीर लेकर आए हैं, जांच की जाएगी, सत्यता के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के संगम विहार स्थित काम्बोज हॉस्पिटल का है, जहां पीनन निवासी श्याम किशोर के गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन के लिए परिजन हॉस्पिटल पर आए थे, जहां ऑपरेशन के दौरान श्याम किशोर की मृत्यु हो गई। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में चिकित्सकों ने लापरवाही बरती है। मामले की सूचना पर बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मामला शांत कराया और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। परिजनों ने चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। जो काम्बोज का हॉस्पिटल है, जिसमें हम बैठे हैं, हम यहाँ डॉक्टर को कल आए थे, हम सलामत सबरा लें, मगर जिसके भाई को पथरी है, कहने का आप सुबह उसकी जाँच बात कराकर मैं ऑपरेशन कर लूँगा, मगर चलो ठीक है सुबह देंगे, हम आए सुबह ही। सुबह आने के बाद में कहने लगा जी चलो पैसे जमा कर दो, नहीं भाई पैसे जमा कर दिए, मगर इसकी जांच तो करा ली आपने, देख लो। कहने लगा नहीं ठीक है, कोई पोषण इसकी कोई दिक्कत नहीं, मगर शुगर हो, कोई बात ऐसी हो। कहने लगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं,
और साहब स्टेज पर भेजो, चलो उस पर स्टेचर पर और ऑपरेशन हो जाएगा जी। उसका दिल कांपा भीतर जाकर जी, डॉक्टर ने जब कट किया उसके तो उसका दिल कांपा, कट हो रहा है उसके पीछे जी। डॉक्टर ने कहा, कहने लगे जी भाई न तो मैं कहा, मैं कहा जी जब ये कांप रहा, बुलाया मुझे, कहने लगे कांप रहा जी, मगर कांप रहा तो तुम फिर एक काम कर लो, हम ट्रीटमेंट करा लेंगे इसका, इसे छोड़ दो, ऑपरेशन ना करो इसका, रहने दो, मगर दिखा लेंगे पथरी तो आधी दुनिया का है, पथरी तो थोड़ा ही मर रहा है आदमी। कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, एक डॉक्टर बुलाओ ना बेसुई का, उनने फिर दोबारा मुझे बुलाया, कहने लगे ऐसा है, उस डॉक्टर ने कहने लगे जी देखो ऐसा है, परेशानी तो नहीं है ही, मैं क्या परेशानी, कहने लगा नन्नू बात है, आप जो है इसमें मतलब जो है मिनट भी ले जाना पड़ सके, और वो खत्म हो लिया था, सच्चाई है भाई। अब जब मैं टिकुल जब मैं मना कर रहा भाई ऑपरेशन ना करो, तुम हाथ जोड़ रहा भाई, मेरा भाई है मैं आपको ट्रीटमेंट करा लो, मैं इसका तुम रहने दो, कह लगे नहीं आता, सबका दिल कम पाया कर इस पर, तो आप बाहर निकलिए, बाहर चलिए, हम मम्मी से बाहर काट दिया, इलाज करते तो विटनेस नहीं होती जी। बगैर ट्रीटमेंट इसका चेकिंग कराए, बगैर चेकअप के ही उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया, इसलिए उसकी मौत हुई है। इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम हो, ये हत्या जानबूझ कर करी मेरे भाई की, ये जो है जानबूझ कर हत्या करी, इसके खिलाफ मुकदमा कायम हो, 302 का ये जेल जा, मैं पोस्टमार्टम करामा भाई का भी हमने दिन यहाँ लग रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं यहाँ से, पूरे जिले का आदमी आ जाएगा यहाँ से, मैं बैठ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पीछे बहुत आदमी है, बहुत सेवा कर रखी मैंने समाज की। नहीं, जिन सज्जन का आज गुर्दे पथरी का ऑपरेशन होना था, वो कुछ दिन पहले जब दिखाने आए तो उनके पूरी तरह से जाँच कराई गई, रंगीन एक्सरे हुआ, खून टेस्ट हुआ, दिल की जाँच हुई, सभी चीज़ सामान्य पाई गई और उनका आज सुबह ऑपरेशन करने के लिए समय रखा गया, और मरीज अपने तीमारदारों के साथ सुबह लगभग 9 बजे के करीब आके भर्ती हुआ, और सब कुछ देखने के बाद में 2 ऑपरेशन उनसे पहले हो चुके थे, तीसरा ऑपरेशन इन सज्जन का था, जिनको ऑपरेशन के कमरे में ले गए, वहाँ बेहोशी वाले डॉक्टर अजय सिंगल साहब ने उनकी पूरी तरह से जाँच इसको सामान्य देख के पा के उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बेहोशी के बाद में 15-20 मिनट तक मरीज सामान्य स्थिति में ही रहा, और ऑपरेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू करने की बात रखी गई। उसी दौरान मरीज ने कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, जिसमें हमने आगे की कार्रवाई रोक दी और उसकी घबराहट पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद में ये चीज़ करते करते लगभग 15-20 मिनट के बाद में उसका हार्ट अटैक हुआ, हार्ट बंद हुआ, सांस बंद हुआ, जिसमें उसकी छाती की मालिश की गई, और मालिश करने के बाद में उसका दिल फिर चालू हुआ। उस बीच में उसके 2 घरवालों को अंदर ऑपरेशन में बुला के बताया कि इस तरह से हुआ और हमने आगे का ऑपरेशन रोक दिया है, और स्थिति अगर सामान्य रहती है तो यहीं रखेंगे, और कोई दिक्कत लगेगी तो मेरठ शिफ्ट कर देंगे। अपने सुई डाल के पथरी को जो सुई से छू के महसूस करते हैं, उस तरह की कार्रवाई शुरुआत थी, पहले ऑपरेशन के जहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे पथरी को, उसको निशान लगाने के लिए तो वो तो जगह पे हम लोग को निशान लगाना पड़ेगा, लेकिन पथरी को हम ना छू पाए और ना ही हम लोग पथरी निकाल पाए, पथरी जहाँ थी आज भी अभी भी वो वहीं पे है। गुरुवार को भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तरीय ग्राम प्रधान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संजीव वालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर, जिला अधिकारी राजीव शर्मा, एसएसपी अनंत देव तिवारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले के सभी ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सभी को बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान करने वाले ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के ग्राम प्रधानों का सम्मेलन बुलाया गया, साल भर से बुलाया गया, ताकि उनको साल भर जो विभिन्न जानकारियाँ हैं, क्योंकि विभिन्न हमारी योजनाएँ चल रही स्वास्थ्य के बारे में, उसके बारे में इनको जानकारी दी जा सके, उसके बारे में इनको कोई भ्रम है, कोई जानकारी नहीं, कोई उनकी शंका हो तो उसको दूर किया। इसमें क्षय रोग के बारे में, सफाई के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में, पर्यावरण के कारण इतने हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनके बारे में उनको संक्षिप्त सूचना दी जाएगी, उनको अवगत कराया जाएगा, और यदि उनकी शंका हो तो समाधान कराया। गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत एआरटीओ विभाग और यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें भोपा बस स्टैंड पर बस चालकों और परिचालकों की बैठक का आयोजन किया, जहां अधिकारियों ने चालकों और परिचालकों को वाहन चलाने संबंधित नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और स्टैंड पर जा जाके हम वाहन चालक को ये सिखा रहे हैं कि वो वाहन को कैसे चलाना है,
निश्चित दुर्घटनाओं की संभावना कम से कम है। सड़क में मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार बहुत समय से उस सबको जागरूक करने के लिए खासतौर से चालकों को, कमर्शियल वाहन चालकों को, बस चालकों को, ट्रक चालकों को, उनको जागरूक करने के लिए, उनके दिमाग को जो रिफ्रेश करने के लिए एक ही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बस स्टैंड पर चलाए जाएंगे, आज बस स्टैंड पर चलाया जा रहा है, कल परसों कहीं और प्रोग्राम रखेंगे। उसमें ट्रैफिक पुलिस का सहयोग हम दे रहे हैं, सभी यूनियन के पदाधिकारी जितने लोग बस स्टैंड में सहयोग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला शाह विलायत ईदगाह रोड पर रीना पत्नी दीपक घर में अकेली थी, जिस पर मोहल्ले के ही यूसुफ और गुच्चू पुत्रगण नसीरुद्दीन घर पर आए और गर्भवती महिला रीना के साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी और फरार हो गए। महिला ने मामले की सूचना अपने पति को दी, जिस पर गर्भवती पीड़िता और उसके पति ने थाना भवन पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने महिला को उपचार के लिए सीएससी भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी। हाँ, इसको काफी कंट्यूशंस हैं, वो सब हमने नोट डाउन कर लिए हैं। प्राथमिक उपचार हमने दे दिया था, प्रेग्नेंट लेडी थी, इसका मेडिको लीगल किया जा रहा है। जी, मेरे साथ मेरे पड़ोसियों ने मारपिटाई करी, मैंने रिपोर्ट लिखवा रखी, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जी, उनका सारा परिवार था, उनकी माँ, उनकी औरतें, उनके आदमी सब थे। नहीं, अभी तीन बार आली में रिपोर्ट, पहले मुझे रिपोर्ट तहरीर दे दो, वो भी जमा कर दे, कुछ भी कर दिया, तीसरी बार आ रही है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और 100 नंबर पर फोन भी कर दिया जी, और प्रेगनेंट भी है जी, घर वाली पेट से उन्होंने लाठी होता है डंडे से मारपीट करी, पाइप तोड़ रखे, टंकी गई, ईंट सारी बजा रखी। मामला जनपद सहारनपुर के गागलहेड़ी स्थित चुनहेटी शेख का है, जहां चीना गुप्ता पत्नी प्रवेश घर पर दोपहर के समय खाना बना रही थी। इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से पति पत्नी झुलस गए। वहीं घर के साथ लगी एक किराने की दुकान में भी आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने घायल दंपत्ति को सीएससी में भर्ती कराया। मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र का है, जहां सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर का निवासी संदीप गांव खियावड़ी के निकट बाइक फिसलने के कारण घायल हो गया। संदीप शराब के नशे में धुत था, इस दौरान सड़क पर पड़ा युवक कई वाहनों की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वहीं रास्ते से गुजर रहे विकास ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर घायल संदीप को सीएससी में भर्ती कराया। वहीं घायल के परिजनों को मामले की सूचना दी। हाँ, आज ऐसा है कि 9:25 पे एक व्यक्ति जो कि जिसने शराब का सेवन किया हुआ था, चीता वाहन जो पुलिस का होता है, उसके द्वारा ये अस्पताल लाया गया था, जिसको कि प्राथमिक उपचार भी दे गया है और उसके डॉक्टर परीक्षण हुआ है। इसका नाम है अनुज सनोव राकेश, ये रथेड़ा गाँव है। मामला जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र का है, जहां कांधला मार्ग स्थित मीम एर्गो के सामने एक बुलेरो कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं कार सवार मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ कर डाली, जिस पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। गुरुवार को महावीर जयंती नगर में धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां प्रेमपुरी स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेकों बैंड और झांकियां शामिल हुई। यह रथ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें जैन समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं नगर के महावीर चौक पर सकल जैन समाज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में जैन नगर मुजफ्फरनगर मेन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और अब इस समय भंडारे का काम चल रहा है, जो 3 बजे तक चला जाएगा। हर वर्ष का हमारा अनुभव है कि इसमें लगभग 2500 व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे भगवान महावीर का जो संदेश था, जी वो जीने दो का, भगवान महावीर ने जब विश्व को शांति का संदेश दिया, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हमारा।
मामला जनपद शामली के थाना भवन का है, जहां गांव मसावी निवासी अंजुम को गांव का ही युवक फैसल पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों से की थी, लेकिन परिजनों ने उल्टा युवती को ही प्रताड़ित किया। युवती बुधवार शाम घर पर अकेली थी, जिस पर फैसल अपने परिजनों के साथ उसके घर पर आया और उन्होंने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें युवती घायल हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को सीएससी में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी। बागर जी, इसका लोग भी जी, बहू भी है, लड़का भी, जी इंतजार जी, घर बाबा मारने चढ़ गई जी, मैं कट्ठे पे चढ़ गई जी, जी हम तो बस बच रहे जी, लड़े से मगर लड़े ना जी, फिर भी घर पाओ को मार छेद कर जी, मैं जी बदतमीजी कर जी, मेरे साथ पत्थर मारा जी, एक लड़का था, एक लोग अभी लड़की बाद में। मामला जनपद शामली के थाना भवन का है, जहां ऊन मार्ग के रेलवे अंडरपास लिंक रोड पर झिंझाना निवासी बाइक सवार अनुज को देर शाम अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। टक्कर लगने से अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अनुज को पुलिस कर्मियों ने सीएससी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल को उपचार उपलब्ध कराया। वहीं पुलिस ने युवक के परिजनों को मामले की जानकारी दी। दरअसल जनपद में कुत्ते के काटने के बाद लगने वाला रेबीज इंजेक्शन पिछले 15 दिनों से स्टॉक में नहीं है, जहां जानसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोजाना मरीजों को हताश लौटना पड़ता है। जब मरीज चिकित्सालय में जाते हैं तो उन्हें बाहर से इंजेक्शन खरीदने के लिए बोल दिया जाता है, जिसके चलते मेडिकल स्टोर संचालक लोगों को 300 से 500 रुपए प्रति इंजेक्शन उगाही कर रहे हैं। यह सब चिकित्सकों की मिली भगत से चल रहा है। मेरा नाम नावेद है, मेरी माता का नाम सीमा है और गांव का नेड़ा से है। कुत्ते का इंजेक्शन नहीं लगे हैं कुत्ते काटने के, और 4-5 दिन से आते हैं यहाँ पे, बोल देता है कि प्राइवेट ले लो। इंजेक्शन पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिला से डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपूर्ति नहीं आई, लिख के भी दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सीएमओ साहब को भी जानकारी है, और इसके अलावा एसडीएम साहब को भी हमने लिखित में अवगत कराया हुआ है इसके लिए। जैसे ही आपूर्ति वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से आती है, वैसे ही हम लोग यहाँ से सुचारू रूप से व्यवस्था इंजेक्शन लगवाने की करने की कोशिश करेंगे। लगभग 10-12 दिन से ही समस्या आई है, उसके पहले तो सब ठीक चल रहा था। जैसे ही वहाँ से हम लोगों को इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, अब आश्वासन हम लोगों को भी दिया हुआ कि यथाशीघ्र हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 3 दिन से पड़े हॉस्पिटल में, इंजेक्शन नहीं मिले, डॉक्टर साहब लोग कह रहे छुट्टी पे हैं। नंगल के ऊपर से आए हुए हैं, 3 दिन से अस्पताल में आ रहे हैं, यहाँ पर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, हमारे कुत्ते ने काट रखा है। एक बच्ची आ रही है, ये बोल रहे थे कि आज छुट्टी है। अच्छा। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जहां 2 दिन पूर्व उन्होंने अपने कार्यकाल में पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद गुरुवार को वह नगर में पहुंचे और नगर में पहुंचने पर नगर वासियों ने विभिन्न स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया, जहां सभी ने फूलमाला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि वह भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास करेंगे। आयुर्वेदिक तथा यूनानी कोमा तिब्बी, इन 3 का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका नाम पहले भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश था, यानी भारतीय पद्धति में जितने भी इलाज करने की पद्धतियां हैं, भारतीय पद्धतियां, उन सब का भारतीय चिकित्सा परिषद था, वही नाम फिर होने वाला है ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, मैं आयुर्वेद के उत्थान के लिए कार्य करूंगा, मैं निकट भविष्य में योग पंचकर्म आदि का संस्थान खोलने का प्रयास करूंगा। केंद्र की सरकार की एक योजना है योगा हेल्थ सेंटर, जिसमें 2-2 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, उसी तर्ज पर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर योगा के संस्थान खोलने का भी प्रयास करूंगा। और मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश का है, इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, फार्मेसी हैं, ये बड़ा एक काम है और बेसिकली आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यकीन दिलाता हूँ अपने प्रदेश की जनता को कि मैं उनके लिए इस जो सेवा कार्य मुझे मिला है, इसमें मैं आदरणीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को, उनके सपनों को पूरा करने का आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रयास करूंगा। गुरुवार को शिवसेना के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
इस दौरान शिवसेना ने मांग की है कि प्राइवेट कॉलेज में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया जाए। वहीं उन्होंने प्राइवेट कॉलेज द्वारा मनमानी फीस लिए जाने का विरोध किया, जिस पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। शिवसेना ने आज जो निजी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वो जो वहाँ हो रहे बच्चों के शोषण को लेके किताबों के नाम पे, कोर्स के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, और हर साल नए नए तरीके के फीस को बढ़ाने के उसमें विरोध में आज शिवसेना ने ज्ञापन माननीय डीएम साहब के नाम दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि जितने भी निजी और पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पर बच्चों का और अभिभावकों का जो शोषण हो रहा है, फीस के नाम पे अवैध उगाही हो रही है, कोर्स के नाम पे उल्टे सीधे रेट पे किताब कॉपियां दी जा रही है बच्चों को, उसके विरोध में शिवसेना का आज ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें जल्द ही अगर डीएम साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना इसमें एक बड़ा आंदोलन करेगी। और आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर से हाजिर होते हैं कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। अब तक देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।